Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली लाइव वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में विद परसेंटेज के साथ बताऊंगा कि किसको मिल रहे हैं कितने परसेंट वोट, क्योंकि कई मित्र पूछ रहे थे कि डिफरेंस बताइएगा। डिफरेंस बहुत माने रखता है, क्योंकि कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस दूर होने वाला है या नहीं है, क्योंकि मामूली डिफरेंस होता है तो पता नहीं चलता कि क्योंकि ये वोटिंग ट्रेंड्स पल पल बदलते, वोटिंग ट्रेंड्स हैं, लगातार बदल रहे हैं। कौन आगे निकल गया, कौन पीछे निकल गया, पता नहीं चलता है। नंबर वन पे भी कभी प्रतीक सहजपाल होते हैं, कभी दिव्या अग्रवाल होती है, और नंबर तीन और जो है चार की पोजीशंस भी अभी लगातार चेंज हो रही है। अभी तक नंबर पांच की पोजीशन नहीं चेंज हुई है। तो चलिए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको बताता हूं कि अभी तक के हिसाब से किसको मिले हैं कितने परसेंट वोट। जाहिर सी बात है कि सबसे नीचे लास्ट में तो राकेश बापट ही हैं। अभी इसके बाद जो राकेश बापट को ही बिग बॉस के घर से बाहर जाना होगा, और टॉप फोर जो होंगे वही टॉप फोर हो जाए, शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट, दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल, यही टॉप फोर होंगे जनता के हिसाब से। बाकी बिग बॉस के मूड का कोई पता नहीं है कि लोर लोर में बिग बॉस राकेश बापट को ऊपर उठा दे, ये कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन पब्लिक के हिसाब से अभी तक मैं बताता हूं कि क्या है, कहते हैं वोटिंग ट्रेंड्स कितने पड़े राकेश बापट को के हिस्से। राकेश बापट के हिस्से दोस्तों 9.5% वोट आ रहे हैं। भैया, नेहा भसीन से तो बहुत ठीक है, नेहा भसीन तो 3-4 से ऊपर निकली ही नहीं, लेकिन जोर उन्होंने बहुत लगाया था। लेकिन राकेश बापट कंफ्यूज होके भी इतने वोट लिए जा रहे हैं, 9.5% वोट उनको पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि भैया ये बेचारे सीधे हैं, इनको समझ में नहीं आया, लेकिन आदमी अच्छा है, इसके लिए लोग वोट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो नाम आता है वो भैया राकेश बापट की साथी शमिता शेट्टी का आता है, राकेश बापट के कनेक्शन शमिता शेट्टी का आता है, और शमिता शेट्टी के एक्सप्रेशन से शमिता शेट्टी को पता चले कि इतने वोट पड़ रहे हैं तो वो बिलीव नहीं करेंगी, क्योंकि उनको लगता है कि आई एम द डिजर्विंग कैंडिडेट, मुझे तो सबसे पहले वोट पड़ने चाहिए। जैसे आपको पता है कि बिग बॉस ने सबको सेव किया था, जो कंटेस्टेंट के एक एक के नाम लिए थे, सबसे पहले उन्होंने दिव्या का नाम लिया और शमिता तीसरे नंबर पे शमिता का नाम लिया था। तो इससे आप जान लीजिए कि भैया, और उसके बाद शमिता शेट्टी का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे। तो 14.5% वोट शमिता शेट्टी के हिस्से आ रहे हैं। शमिता शेट्टी नंबर चार पे है, और नंबर तीन पे जो निशांत भट्ट है, हालांकि शमिता और उनमें बाल बराबर का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं, शमिता शेट्टी फिर से नंबर तीन पे भी आ सकती हैं, यानी कि टॉप थ्री में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि उनको जो है उनके और निशांत भट्ट के बीच में मात्र 0.5% का फर्क है, 15% वोट जो है निशांत भट्ट को मिल रहे हैं। निशांत भट्ट के बाद एकदम से जंप मारा के प्रतीक सहजपाल और दिव्या अग्रवाल, ये दोनों की बराबर की टक्कर है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये टॉप टू है, तो निशांत भट्ट के 15 के बाद सीधा 28% वोट पड़ रहे हैं दोस्तों, किसको, प्रतीक सहजपाल को। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल को 28% वोट पड़ रहे हैं, लेटेस्ट जो वोटिंग ट्रेंड है। हालांकि फाइनल तो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड से पता चलेगा, क्योंकि लोग लगे हुए हैं भैया अपने अपने फैंस को। प्रतीक सहजपाल की फैन फॉलोइंग भी बहुत जबरदस्त है, वो फैंस लगातार लगे हुए हैं, ये प्रतीक को भी नंबर पे ला सकते हैं। लेकिन दिव्या के फैंस भी कम नहीं है, 33% वोट दिव्या अग्रवाल के भी हिस्से आ रहे हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से दिव्या अग्रवाल नंबर वन पे है, नंबर दो पे प्रतीक सहजपाल है, नंबर तीन पे जो है निशांत भट्ट है, और नंबर चार पे मामूली फर्क से शमिता शेट्टी है, और नंबर पांच पे राकेश बापट है, जो कि बिग बॉस के घर से निकलने वाले अगले कंटेस्टेंट हो सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जान के, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा आपकी राय, और आप खुश हैं या नहीं खुश हैं। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।